Hi everyone and welcome back to another video and a whole new travel series. So we are currently at the Indira Gandhi International Airport, Delhi, and we are heading to the land of fire, most commonly known as the next Dubai. Yes, you guessed it right, we are going to Azerbaijan. अजरबैजान एक ऐसी कंट्री है जो जल्दी से लोगों के दिमाग में नहीं आती वेन एवर दे आर प्लानिंग अ हॉलीडे डेस्टिनेशन, बट इट इज़ टाइम टू थिंक अगेन. जब हमने बताया कि हम अजरबैजान जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि कहाँ है. सो अजरबैजान अपनी लैंड बाउंड्रीज चार कंट्रीज के साथ शेयर करता है, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड ईरान. सो इट टेक्स अबाउट 4 hours टू रीच अजरबैजान फ्रॉम इंडिया, और किसी भी मेजर एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है. हम इंडिको की फ़्लाइट में आए थे बाकू में, और अजरबैजान की करेंसी इज़ दी अजरबैजानी मनात, एंड 1 manat इज़ इक्विवेलेंट टू 49 इंडियन रुपीस. तो अभी हम लोग अजरबैजान की कैपिटल सिटी बाकू में हैं, और बाकू को सिटी ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, और इसका मेजर रीज़न है बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन. ये जो सिटी है इट इज़ सिचुएटेड ऑन दी शोर्स ऑफ द कैस्पियन सी. इनफैक्ट मेरे पीछे इज़ द कैस्पियन सी ओनली, इसीलिए इसको सिटी ऑफ विंड्स कहा जाता है, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ समर्स और विंटर्स, यहाँ पर हर टाइम इतनी ही तेज़ हवा चलती है. एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट अजरबैजान इज़ इन दी मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जून, अगर आप समर्स इन्जॉय करना चाहते हो, और अगर हमारे जैसे आपको विंटर्स का मज़ा लेना है तो आइडियल टाइम शुड बी बिटवीन अक्टूबर टिल फेबररी. हम लोग अभी नवंबर के एंड में बाकू में हैं, और जो एवरेज टेम्परेचर है इट इज़ बिटवीन 8 to 9 degrees, बट इट इज़ सो विंडी दैट यू शुड कैरी प्रॉपर विंटर क्लोथ्स. In Baku for the next 3 days, and I cannot contain my excitement to show you some of the best spots that city has to offer. So this is the little Venice of Baku. So beautiful, so romantic, absolutely love it. और यहाँ पे बोट राइड्स भी होती है जिनको गंडोलास कहा जाता है. बिल्कुल मेरे पीछे इस बाकू की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशंस व्हिच इज द कारपेट म्यूजियम. अजरबैजान अपने कारपेट हिस्ट्री और कारपेट मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है. तो लेट्स गो कि अंदर क्या है. अभी हम लोग बाकू के कारपेट म्यूजियम में हैं. इनफैक्ट अजरबैजान इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सेंटर्स ऑफ कारपेट मेकिंग इन द एंटायर वर्ल्ड. आई थॉट कि टर्की या फिर ईरान में कारपेट मेकिंग सबसे पुराना है, बट इट इज़ अजरबैजान. इनफैक्ट ये जो पूरा म्यूजियम है इसका स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो डिज़ाइंड इन द शेप ऑफ अ कारपेट ओनली. स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पूरा कारपेट कैसे बनता है वो प्रोसेस भी इन्होंने यहाँ पे स्क्रीन्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. कारपेट हिस्ट्री यहाँ पे इतनी पुरानी है कि जो पहला कारपेट म्यूजियम था वो यहाँ पे 1967 में बन गया था, और दिस इज़ द सेकेंड बिल्डिंग. इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज़ ऑल्सो डिज़ाइंड इन द शेप ऑफ अ कारपेट, और ये बिल्डिंग 2013 में बनी थी. तो
तो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि कौन से अजरबैजान के रीजन से कौन सा कार्पेट आता है और कितने तरीके के कार्पेट्स हो सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट फैसिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल गिरीस. तो ये जगह हर दिन खुलती है फ्रॉम ट्यूसडे टिल संडे फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टिल 6 PM और जो इसके एंट्री चार्जेस है वो है 10 manat पर पर्सन. इन फैक्ट मेरे पुलोवर पे जो प्रिंट है दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ कार्पेट ओनली. So after the carpet museum, the next stop is the Highland Park. So Highland Park एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी बांकू सिटी का पैनोरामिक व्यूज दिखते हैं और फ्लेम टावर्स बहुत ही पास से दिखते हैं. तो हाईलैंड पार्क जाने के दो तरीके हैं. पहला जो पीछे स्टेज है उस पर चढ़ के लगभग 200 के आसपास की स्टेज है. सो लेट्स सी कि हम वो चढ़ पाते हैं कि नहीं. और दूसरा वे है इस बिल्डिंग के अंदर से एक केबल कार चलती है जो आपको एकदम टॉप पर हाईलैंड पार्क पहुँचा देती है. लेट्स गो. कहने को तो ये केबल कार है पर ये पूरी बस तरीके की बनाई हुई है जिसके अंदर बैठ के आप आराम से ऊपर तक जा सकते हो. इट्स नॉट दैट इजी. अभी आधे वे आए, आधा वे और बचा है. एंड देयर इज अ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑल्सो ओवर हियर इन बाकू. After climbing some what 2000 stairs, we are about to reach the Highland Park. अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है और इसका रीज़न है कि अजरबैजान इज़ अ कंट्री विच इज़ वेरी रिच इन नेचुरल गैस. एंड एट द टॉप ऑफ द हाईलैंड पार्क इज दिस आइकॉनिक स्ट्रक्चर जहाँ पे अंदर लैंड ऑफ फायर को सिंबलाइज करने के लिए फायर जलाई गई. सो दिस इज द मार्टियर्स लेन. अजरबैजान एक टाइम पे रशिया का ही पार्ट था और अजरबैजान ने इंडिपेंडेंट नेशन बनने के लिए 1990 में रशिया से वॉर लड़ा था और उस वॉर में जितने भी अजरबैजानी सोल्जर्स और नॉर्मल सिविलियंस जिनकी डेथ हो गई थी उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये मार्टियर्स लेन बना. गोइंग बैक फ्रॉम द हाईलैंड पार्क एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट ऊपर इतनी स्टेज चढ़ने का. बट ऐसा लगा कि ऊपर जाते समय तो 2000 स्टेज थी पर आते समय अबाउट 200 स्टेज होंगी. ये बांकू के इशरी शहर विच इज़ द इनर सिटी या फिर ओल्ड सिटी में लोकेटेड है.
ये टावर 12th सेंचुरी में बना लिया गया था और आज इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये जो मेडन टावर है ये अजरबैजान के डिस्टिंक्टिव नेशनल एम्बलम में से एक है। इनफैक्ट ये टावर का प्रिंट इनकी करेंसी पे और ऑफिशियल लेटर हेड्स पर भी है। यहाँ पे आके मुझे टर्की के गलाता टावर की याद आ गई। एंड इस पूरे टावर में 8 फ्लोर्स हैं और आप ऊपर 8th फ्लोर तक जा सकते हो, विच इज़ द ऑब्जर्वेटरी डेक थ्रू दी स्टेयरकेस ओनली। सो दिस इज़ दी ऑब्जर्वेटोरी डेक एट द 8th फ्लोर एंड यहाँ से बाकू सिटी का पूरा पैनोरामिक व्यू दिख रहा है। Thank you so much for watching this video and please do hit the like button and subscribe to this channel so that you do not miss any of the further videos from our Azerbaijan travel series, and I shall see you soon in the next one.